जानते हैं हमें बाजार में खाना क्यों पसंद है? क्योंकि वहां पे हमें मिल जाती है खाने में बहुत सारी वैरायटी। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आई हूँ फ्ली बाजार कैफे, जो कि लोअर परेड में लोकेटेड है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी मुंबई का फेमस खाना, वो भी अंडर वन रूफ। अगर आपको भी बाजार का खाना खाना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है फ्ली बाजार कैफे और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी मुंबई की 10 से भी ज्यादा फूड स्टॉल, पानीपुरी से लेके नाचोस तक और पाव भाजी से लेके बर्गर तक। सो कम ऑन, लेट मी शो यू अराउंड। सो गाइज, मैं हूँ चकनाबाई सोम में, जो कि बाबुलनाथ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मैं ट्राई करूंगी अपनी फेवरेट पानीपुरी। ये देख रहे हैं कितने छोटे से जग में पानी दिया है, हाउ क्यूट। ऑलराइट, भाई ये पानी पूरी तो वाकई कमाल की है। अब पानी पूरी खाने का कोई टाइम थोड़ा होता है, जब मर्जी है तब खा लीजिए। तो चलिए अब पानी पूरी के बाद कुछ मैक्सिकन हो जाए और मैं ट्राई करूंगी एल चापोस के नाचोस। जस्ट लुक एट दिस। ऑलराइट, इट्स लोडेड विद चीज। ओके, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार है ये। सो गाइज, मैं आ गई हूँ जोगेश्वरी के फेमस लखनवी टुंडे कबाब के यहाँ। और क्या आप जानते हैं कि मैं भी लखनऊ से ही हूँ और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लखनऊ के वही मुंह में घुल जाने वाले टुंडे के कबाब। और ये देखिए, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं ये उल्टे तवे के पराठे के साथ। मुंबई की दो चीज़ें बहुत फेमस हैं, यहाँ का वड़ा पाव और पाव भाजी। और गाइज, मैं पहुँच चुकी हूँ सुपर पाव में और यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को दिया गया है बहुत ही अनोखा सा ट्विस्ट। सो ये देखिए, ये है गोभी मंचूरियन वड़ा पाव और ये है ब्लैक पाव भाजी। इजंट इट इंटरेस्टिंग। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस पाव भाजी को ब्लैक कैसे किया गया है। वेल, ना तो इसमें कलर एडेड है और ना ही चाकोल, इसको ब्लैक किया गया है खड़े मसालों की मदद से। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। वाओ, पाव तो बहुत ही सॉफ्ट है। ओके, भाई ये पाव भाजी तो बहुत ही स्पाइसी और बटरी है और इसके अंदर इन्होंने जो अनार के दाने डाले हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट ऐड कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ साउथ इंडियन हो जाए और मैं आ चुकी हूँ व्हाट्स अप्पम में और यहाँ पे इन्होंने अप्पम को दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट। सो ये देखिए गाइस, ये है सुपर अप्पम एग केजरीवाल और इसके ऊपर इन्होंने पकाए हैं ये फ्राइड एग्स और इसके ऊपर डली हुई है बहुत सारी चीज और ग्रीन चिली। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। ओके, बहुत गर्म है ये। ऑल राइट, बहुत सारी चटनियाँ भी नहीं हुई हैं, ये ट्राई करती हूँ। भाई ये टेस्ट तो वाकई कमाल का है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट अप्पम में ना जो अंडे और चीज़ का टेस्ट आ रहा है ना, वो तो बहुत ही कमाल का है। वाओ, यहाँ पे तो फूड ट्रक भी है। तो चले ट्राई करते हैं इनका जैक फ्रूट बर्गर। सो हेयर कम्स माय बर्गर। ये देखिए, इसके अंदर डले हुए हैं फ्राइड जैक फ्रूट, जिनको हिंदी में कटहल बोलते हैं, और उसके साथ दिया हुआ है मस्टर्ड सॉस और साथ ही में है टैपियोका चिप्स। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। Oops, इसको हटाया जाए। ऑल राइट, ओह दिस इज टू बिग। वाकई ये बर्गर तो बहुत ही टेस्टी है और मैं नहीं जानती थी कि जैक फ्रूट बर्गर इतना बढ़िया हो सकता है। बर्गर दिखाया है तो पिज्जा दिखाना तो बनता है। सो ये देखिए गाइस, ये है मेरा फोर चीज पिज्जा एंड इट्स लोडेड विद चीज। ऑलराइट, ओके, आई लव पिज्जा। इट्स डिजर्ट टाइम। सो गाइज, मैंने ऑर्डर करा है गोला बटर चिकन से ये बेक मैंगो रसगुल्ला और हंगली चाइनीज से ऑर्डर करा है ये फ्राइड आइसक्रीम। वाओ, तो चलिए अब ट्राई करते हैं। ओके, व्हूप्स, हम्म,
भैया फ्राइड आइसक्रीम तो बहुत ही बढ़िया है, बाहर से बहुत क्रिस्पी है और इसके अंदर इन्होंने सेसमे आइसक्रीम यूज़ करी है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं ये बेक्ड रसगुल्ला। ओके उप्स, भाई इसके अंदर उन्होंने रबड़ी डाली हुई है और रबड़ी के अंदर मैंगो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हुआ है और ये एक्चुअली एक एक्सेलेंट चॉइस है आपके पास। मुझे तो बहुत मज़ा आया फ्ली बाज़ार कैफ़े आके, और वाकई यहाँ पे आपको मिलती है खाने में बहुत सारी वैरायटी। आई होप यू गाइस मस्ट हैव लाइक माय वीडियो, सो डू विद द लाइक बटन, और हाँ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।